हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, काफ़ी समय से मुझे लग रहा था कि मेरे डियो का पीछे का भैया बहुत ही जाम होकर चल रहा है, तो इसके लिए आज हम जा रहे हैं गैरेज में, क्योंकि जो इसके गियर बॉक्स का बेयरिंग रहता है वो ख़राब हो गया, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे इसको चेंज करने का है। वैसे वीडियो 14-15 मिनट का बना है और जगह जगह पर मैंने वॉइस ओवर भी दिया है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन से पार्ट को कैसे खोलना है और क्या करने का है। तो अगर आपके गाड़ी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फॉलो करना मत भूलना मुझे इंस्टा पे, जहाँ पे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो चलो, गैरेज हम पहुँच गए। तो सबसे पहले हमें ब्रेक लूज़ करना पड़ेगा ताकि पता चल सके टायर क्यों आखिर जाम हो चुका है। फिर भी टायर थोड़ा जाम ही लग रहे हैं, सो यहाँ पे हम पूरा ब्रेक लूज़ करके देख लेते एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर थोड़ा आउट लग रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो टायर को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टायर आउट लग रहे हैं, और क्योंकि स्कूटी में एक ही साइड में टायर कनेक्ट रहता है, दूसरी साइड में कुछ भी नहीं, रॉड वगैरह कुछ नहीं रहता, चोकअप्सर वगैरह, इसके लिए ये जल्दी आउट हो जाता है, बेयरिंग ख़राब हो जाती है। तो चलो, टायर हमारा निकल चुका है, अब आगे देखते हैं क्या करने का है। तो सबसे पहले गियर बॉक्स खोलने से पहले हमें ये खोलना पड़ेगा जो किक का कंपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे अपना बेल्ट रहता है। और ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये किक भी मेरी जाम हो चुकी है, इसको भी आज ठीक कर लेंगे। सो ये तो ओपन हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी क्लच पैड है, जहाँ पे ये बेल्ट कनेक्ट है, और ये कनेक्ट रहता है हमारे पिस्टन के साथ में, ये वाला व्हील, और उसी के ऊपर हमारा स्टार्टर रहता है। तो अभी सबसे पहले हमें ये खोलना पड़ेगा क्लच पैड को। सो क्लच पैड खुल चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस बेल्ट को निकालने का एक तरीका होता है, तो ऐसे कुछ इसको खोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ऐसे प्रेस करके निकाला जाता है। सो जो हमारा मेन गियर बॉक्स है उसके स्क्रू यहाँ पे, इसके लिए हमें वो कंपार्टमेंट खोलना पड़ता है, और इसके अंदर ऑयल भी रहेगा। अभी तो ऑयल मैंने रिसेंटली चेंज किया था, वो सब वेस्ट जाने वाला है। ये स्क्रू है गियर बॉक्स के, इसको ऐसे हल्का सा ठोक के निकालना पड़ता है। ये देखो, सब ऑयल मेरा अच्छा ही था, वेस्ट हो गया। और ये ऑयल सील भी है इसके ऊपर, और ये है हमारा गियर बॉक्स। तो ऐसा गियर बॉक्स होता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ स्कूटी का। ये देखो, ये बेयरिंग चली गई है, और ये रहे हमारे गियर्स। सो अभी इस बेयरिंग को निकालना पड़ेगा। ये बेयरिंग है यहाँ पे दोस्तों, जिसको हमें अभी चेंज करने का है, तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा इसे।
दोस्तों इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे प्रेस करके बेल्ट को चढ़ाया इसके ऊपर। उसके बाद इस रॉड में जाएगा, ये जो हमारा गियर बॉक्स का रॉड है जहाँ पे अभी हमने बेयरिंग चेंज की थी। तो चलो ये तो लग गया, और ये बेल्ट अभी आपको लूज लग रहा है, लेकिन जब गाड़ी चालू हो जाएगी वो अपने आप टाइट हो जाएगा। तो किक भी सही हो गई दोस्तों, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इसके बाद अभी हमें लाइनर लगाने हैं और व्हील भी फिट करना है, तो हमें लाइनर लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। वैसे लाइनर थोड़े घिस चुके हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो वैसे ही रहने देता हूँ, वरना वो ख़राब तो वैसे ही हो जाएंगे। वैसे ब्रेक तो सही लग रहे हैं। तो ये हमारा व्हील भी यहाँ पे आ चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा गियर ऑयल डालना पड़ेगा, जो पहले डाला था कैस्ट्रॉल का वही मैं डाल रहा हूँ वापस से, क्योंकि गियर ऑयल तो सब ख़राब हो गया था, और गियर ऑयल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना गियर टूट जाएंगे। तो ये खास स्कूटर के लिए आता है गियर ऑयल 120 ml का। तो ओके दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं एक बार स्टार्ट करके, और टायर कितना आउट आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बेयरिंग चेंज करने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया, और गाड़ी अब बहुत ही फ्री होकर चल रही है, और 0 से 60 किलोमीटर भी अब बहुत ही तेज़ जाती है पहले के मुकाबले। सो अगर आपके गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार ज़रूर दिखाएं गैरेज में। तो चलो वीडियो को कर देते यहीं पर एंड,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, खाली नंबर बढ़ाने के लिए मत करना, और फॉलो करना मुझे इंस्टा पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑलवेज हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।